दलित मोर्चा के भारत बंद के दौरान एक और जहां बंद के साथ साथ तोड़फोड़ की कई जगह से खबरें मिल रही हैं, वहीं सभी दलों के नेता और सर्वदलीय प्रतिबंध रेलवे प्रतिमंडल भी राज्यपाल से मिल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, राजद, जदयू, रालोसपा समेत कई नेताओं ने आज एक साथ राज्यपाल से मुलाकात की और SC/ST एक्ट में संशोधन के साथ केंद्र सरकार से इस मसले में अध्यादेश लाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। जनजाति अत्याचार अधिनियम जो 310 एक्ट है, इसको निष्प्रभावी किया गया है न्यायालय के द्वारा। पूरे भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के समाज में एक तरह से समझिए आंदोलनरत हो गया है, और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को जो संविधान में अधिकार दिया था, उसको निष्प्रभावी बनाया जा रहा है, न्यायपालिका के द्वारा हनन किया जा रहा है। इसलिए हम जितने भारत के अनुसूचित जाति जनजाति हैं, सभी को एक सूत्र में बन गए हैं, दलगत भावना से ऊपर उठ के सब कोई हम लोग एक है, और अपने अधिकार के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि जब जब अभी हमारा अत्याचार अधिनियम एक्ट 310 एक्ट है, तब तक हम लोगों पर इतना अत्याचार होता है। यदि यह एक्ट खत्म हो जाएगी तो दलितों का क्या हाल होगा, वो तो दलित ही बता सकता है। आपको बता दें कि आज कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी की गई। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।